टीम इंडिया भले ही श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला जीत ली हो, लेकिन टीम इंडिया के कप्तान यानी कि रोहित शर्मा अभी भी नाराज है। जी हाँ दोस्तों, उनका नाराजगी की वजह है अक्षर पटेल। क्या है पूरी खबर, इसी के बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। तो बात करें इंडिया और श्रीलंका के बीच जो महामुकाबला खेला गया उसमें सी स्पिनरों का दबदबा रहा है। जहाँ दोस्तों भारत की बात करें या फिर श्रीलंका के, दोनों तरफ से स्पिनर्स ने बेहद ही ज़्यादा विकेट लिया। स्पेशली जो फिंगर स्पिनर है और लेफ्ट आर्म स्पिनर जो कि वलिंगा हो या फिर श्रीलंका, कमाल के गेंदबाजी किए थे और भारतीय बल्लेबाजी क्रम का कमर तोड़ के रख दिए थे। बता दी कि वलिंगा जहां 5 विकेट चले थे वहीं श्रीलंका 4 विकेट झटके और 1 विकेट थिक्षणा को मिला था। यानी पूरा विकेट जो भारत का 10 विकेट गिरा था श्रीलंका खिला पूरा विकेट स्पिनर्स ने लिया था। ऐसे में भारतीय टीम से भी उम्मीद थी और स्पेशली जो सबसे ज्यादा उम्मीद था वह था रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल, क्योंकि फिगर स्पिनर के लिए इस पिच पर बहुत कुछ था वो साफ दिख रहा था। ऐसे में जब गेंदबाजी शुरू हुआ टीम इंडिया की तरफ से तो सबसे पहले रविंद्र जडेजा है और रविंद्र जडेजा को उसी प्रकार का मदद मिल रही थी जिस प्रकार से श्रीलंकाई गेंदबाजों की मिल रही थी। तो रविंद्र जडेजा विकेट भी चटकाए और बेहद ही मुश्किल में डाल दिए सभी बल्लेबाजों को श्रीलंका के। लेकिन बात की जब अक्षर पटेल बॉलिंग करने आए तो बता दी ना कोई स्पिन हो रहा था बॉल में, ना ही बॉल नीचे रह रही थी, ना ही बॉल ऊपर रही थी, सीधा आसानी से बल्ले पर जा रहा था। ये बात रोहित शर्मा के बात हजम नहीं हो रही थी कि आखिर अक्षर पटेल को कुछ मदद क्यों नहीं मिल रहा है, एक टाइप के बॉल कंटिन्यू कर रहे थे और बेहद ही खराब परफॉर्मेंस था। यहाँ दोस्तों बता दें जहाँ सभी गेंदबाज की फायती थे वहाँ पर अक्षर पटेल बेहद ही महंगे गेंदबाज साबित हुए। बता दीजिए 5 ओवर कराए 29 रन दे डाले। यहाँ दोस्तों इससे आप अंदाजा लगा सकते कितना महंगा है, लगभग 6 का एवरेज से रन दिए। जहाँ पर इतना ज़्यादा मदद था फिंगर स्पिनर का वहाँ पर 6 के एवरेज से रन दिए। तो दोस्तों टीम इंडिया के लिए शायद यह बेहद ही बड़ी गलत फैसला ले लिया है कि इनको वर्ल्ड कप में शामिल किया गया है। नो डाउट थोड़ा बहुत बेहतर बैटिंग कर लेते हैं अक्षर पटेल, लेकिन नंबर 8 के खिलाड़ी से हम बैटिंग कम बॉलिंग ज़्यादा अच्छा का उम्मीद रखते हैं, क्योंकि बॉलिंग से ही मैच जिताता है कोई। तो दोस्तों आपका क्या राय, अक्षर पटेल का यह परफॉर्मेंस अक्षर पटेल को ही एक्सपोज कर दिया है वर्ल्ड कप से पहले या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।